मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश जनर, आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई ड्रैग रेस बिटवीन द स्कॉर्पियो एन एंड द i20 L9। तो आई नो कि सेगमेंट अलग है, गाड़ियां अलग है, इंजन बहुत ज़्यादा अलग है। जो हमारी स्कॉर्पियो एन है, ये आती है 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ और प्रोड्यूस करती है 174 bhp एंड 400 nm ऑफ टॉर्क। और जो L9 है, ये आती है 1000 cc के इंजन के साथ, मतलब हाफ से भी कम, और ये प्रोड्यूस करती है 118 bhp एंड 172 nm ऑफ टॉर्क। स्कॉर्पियो है हमारी 6-speed टॉक कन्वर्टर गेयरबॉक्स के साथ, N9 है हमारी 7-speed DCT गेयरबॉक्स के साथ। गाड़ियों में वेट का बहुत फ़र्क है, पावर का उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। एक हॉट हैच है, एक हमारी फुल ब्लोन SUV है, एरोडायनामिक है, और एक हमारा बिल्कुल बॉक्सी डिज़ाइन है स्कॉर्पियो N के साथ। तो तुषार भाई, कौन सी लग रही है? भैया इनिशियल में मेरे को स्कॉर्पियो लग रही है, टॉर्क का प्ले बहुत करेगा इसमें, डीसीटी का लैग आएगा, बट क्योंकि वेट का बहुत डिफरेंस है आउटवेट रेशियो का, तो शायद टॉप एंड में जीत जाए, कवर बना लेगी। पोटेंशियल में तो अनडाउटेडली यही जाएगी, बट अब पोटेंशियल में कितने के बाद आती है वो देखो। और मैंने ये भी देखा है स्कॉर्पियो की टॉप स्पीड 174 है और अपने की 190 तो हमने चेक करी है, उससे ऊपर नहीं ले जाते भाई। तो बाकी रोहन भाई जी पूछते, रोहन भाई ब्रदर ब्रदर इधर एक्सक्यूज मी ब्रदर बताओ एन लग रही है भाई, एन लग रही है। हिमांशु भैया अब देखो हम चला रहे तो एन ही जिताएंगे। हाँ चलो डन। हाँ जी, और क्या लग रहा है ये भी बता दो जरा। लग तो भाई मेरे को री है ये N9, ठीक है। अब इसमें पावर तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं राउंड 1, देखते क्या रहेगा। राउंड 1 के लिए हम बैठ रहे हैं i20 N9 में। तुषार भाई चलाएंगे, तुषार भाई सेटिंग बता दो। भैया इसमें वैसे कोई मोड आता नहीं है, बट DCT मैनुअल पे करेंगे एंड ट्रैक्शन कंट्रोल प्योरली ऑफ। और ये सी भी ऑफ कर लो, ये सी भी हो गया। रोहन भाई बता रहे हैं। हाँ जी, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है भैया, ESC ऑफ है, DCT मैनुअल मैनुअल में। थोड़ा क्या हाल है? AC ऑफ है, जूम मोड, ट्रैक्शन ऑफ, AC ऑफ, ठीक है ठीक है। और वो है तीन जने हमारे में दो है हमारे में छोटा सा वजन होगा बैग का, 2 किलो का। हाँ, तो भाई वेट एडवांटेज हम नहीं देंगे। बैग रख लो भाई तुम अपने पास। जी राउंड में शीशा ऊपर, गैप शीशा ऊपर, शीशा भी ऊपर कर लो भाई प्लीज। एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है, एसी ऑफ है। चलो जी 3, 2, 1 6,500 पे शिफ्ट, ड्रैग में भी नहीं जाने देंगे हम। अरे बाप रे, कहा था। अरे बाप रे, ओके बाय बाय बाय, सी यू सून। 90 पे क्रॉस कर दी गाइस, 130 चल चुकी है, 140 ब्रेक ले लो ले लो, फायदा नहीं है तो आ नहीं सकती भाई। हॉट हैच फॉर अ रीजन, पावर टू वेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। 1000 cc 2.2 लीटर को बीट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वेट। अच्छा हाँ, वो 2.2 लीटर है, मैंने 2 लीटर बोल दिया गलती से। नहीं 2.2 है वो, 2.2 M Hawk विद 174-175 bhp एंड अ लॉट ऑफ बेइज्जती। आई मीन नहीं भैया अच्छी गाड़ी है, रीजन नहीं है दोनों गाड़ियों का, अलग-अलग भाई वो है, ऐसा नहीं है स्कॉर्पियो पसंद है। हां नहीं, वो बहुत अच्छी गाड़ी है, गाड़ी अच्छी है, महिंद्रा स्कॉर्पियो NXUV 700 OP। आओ पूछते हैं उनसे। एक मिनट कौन कह रहा था ड्रैग हार जाएंगे? हाँ जी भैया, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा था। भाई तीन जने नहीं बैठ गए इसमें, ये उसमें आ रहा है, ठीक है ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि भाई पोटेंशियल में वही जाए, वो जो वीर जी नहीं ड्रैग में भी यही गई, ड्रैग में भी यही बात कही थी, जेन्युइन बात। चलो जी, पर ड्रैग में भी यही गई पोटेंशियल के साथ। हां ड्रैग में तो बिना देखते हैं, आखिरी में सिंगल सिंगल करेंगे, डन आपने। नहीं लॉन्च डे हुआ भाई, काफी ज्यादा DCT थिंग्स। अब रोहन भाई कहेंगे वो जीत गई, बट लॉन्च थोड़ा डिलेड है, मेरी सबूत। हाँ, अरे उसने ब्रेक ले लिया, ड्रैग भी जीत गई इस बारी में, तो दोबारा कर देते हैं भाई स्कॉर्पियो एन, क्योंकि अपना लॉन्च लेट था। हाँ एग्जैक्टली, दोबारा कर लेंगे। हाँ दोबारा करना ही पड़ेगा भाई, अगर हाँ अब भी हार जाते तो फिर 2 वीडियो करना पड़ेगा मजबूरी में, कि भाई फेयर करनी पड़ेगी क्योंकि 3 सिलेंडर, आरव भाई बता सकते, दब जाता है, राइट है ना।
हो गया भैया, पर भाई थ्री सिलेंडर के होने के बावजूद तीन जने जब दो दो तीन जने उसमें थे तब नहीं जा पाई थी। ड्राइवर हो गया चेंज, रोहन भाई चला रहे हैं। मैं 3-2-1 करूं? ठीक है, सेम स्पेक्स है, ड्राइवर चेंज है। आप रेडी हो? हाँ जी भैया। ठीक है, चलो जी 3-2-1। आप शिफ्ट में देरी? नहीं नहीं, कॉन्स्टेंट गैप है, अब कम हो रहा है, कम थोड़ा लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो भाई। ड्राइवर का फर्क आ गया, ड्राइवर का फर्क आ गया, ब्रेक ले लो भाई, ब्रेक ले लो। ड्रैग विनर होगी अब। हाँ, एन हो गई। अब एक बार फेयर करते हैं 2-2। डन डन। तो गाइस लास्ट राउंड के हम आ गए हैं अपनी एंड लाइन में। रोहन भाई चलाएंगे स्कॉर्पियन, मैं चलाऊंगा एंड लाइन, क्योंकि वो टॉक कन्वर्टर बहुत बढ़िया चलाते हैं। मैं DCT पे मेरा हाथ बैठा हुआ है, पर एक हाथ से शूट करना पड़ेगा, रीजन बीइंग कि एक हाथ से मेरे को पैडल शिफ्टर्स यूज़ करने, तो हो सकता है मैं ट्राई करूँगा लैग मिनिमम टू मिनिमम आए। हाँ, सेटिंग्स क्या रख रहे हो? ठीक है, तुषार भाई करा देंगे 3-2-1। इनिशियली थोड़ा आगे वो, बट 140 नहीं, उससे पहले ही कवर कर लेंगे हम। 110 पे आगे आना चालू हो गया था, अब आप देखो नहीं आ पाएगी। और वहां पे देखो क्या करा, बहुत दूर हो गई है स्कॉर्पियो, और अभी बनाती जाएगी। इस वजह से मैं ब्रेक ले रहा हूँ 140 अराउंड पे। तो जब हिमांशु भैया ने पिछली राउंड में चलाई थी 1v1, तो उनसे 140 पे कवर हुआ था। रीजन सिर्फ यही था कि हिमांशु भैया ने पैडल शिफ्टर्स का यूज़ नहीं करा था, और मैंने पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करा है। और एन लाइन जैसी गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स यूज़ करने से ना बहुत ज़्यादा फर्क मिलता है, लैग नहीं मिलता। मतलब आप ये मान लो कि अगर आप पैडल शिफ्टर यूज़ ना करो तो स्विफ्ट से भी हार जाएगी, और पैडल शिफ्टर यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं मेरी सेल्टॉस को भी थोड़ी बहुत टक्कर देती है, इतना फर्क है। 140 से 110 पे हो गया। हिमांशु भैया ने जब चलाई थी तब 140 बता रहे थे, अब हुआ 109 पे। वो उन्होंने डी मोड पे चलाई थी लास्ट राउंड में। अच्छा, तो उसके बाद क्या कहते हैं, 120 पे निकली थी। हाँ, उन्होंने चलाई तो अब 108 109 पे। इसके बाद एन दोबारा निकल गई थी। अच्छा। हाँ। मैंने अब मैं बता दूं, पैडल शिफ्टर्स यूज करे हैं प्रॉपर 6,500 RPM पे, 108-109 पे मैं आगे निकला था। चलो सही है, ठीक है ना। रोलिंग करोगे एक बारी? नहीं हो जाएगा, ठीक है। 20 की स्पीड, फर्स्ट गियर लगता है 20 में। M1 पे कर दो ना, मैनुअल में चलाओ। हाँ, और जब आप शिफ्ट करना तो स्लिक कर दो, ठीक है ना। चल आ जाओ, तीन ऑन आप बजाना। ठीक है, मैं बजाऊं। तो गाइस रोलिंग राउंड कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा कैमरा टेढ़ा वेढ़ा हो रहा हो, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से शूट कर रहा हूँ। की स्पीड है, भाई नहीं हो पाया रहा हूं। ट्वेंटी
20 की स्पीड तक रोल कर रहे हैं हम। 20 रोलिंग है, देखो ऑलमोस्ट साथ साथ थोड़ी सी एन आगे, अभी आगे और अभी कवर बनाती जा रही है, वही 108 109 पे, और नहीं जीतने देंगे यार। ये हैचबैक है, लाइट वेट है, हॉट हैच है, बेसिकली हैचबैक भी नहीं अगर आप कहो इसे। ऊपर से भाई एरोडायनेमिक्स का कितना फ़र्क आएगा। तो गाइस यही थी कुछ वीडियो, अगर एक बार बाहर चलते हैं भाई से पूछते हैं कुछ दिक्कत ना रही हो, वरना वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सारे राउंड देख लिया आपने हमारे एन वर्सेज एन लाइन के, और एन लाइन ही जीतती है ड्रैग भी और पोटेंशियल भी और रोलिंग भी, क्योंकि एन लाइन देखो एरोडायनेमिक ज़्यादा है, लाइट वेट है, उसके बाद पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है। स्कॉर्पियो एन जो है वो थोड़ी हैवी है, एसयूवी है, मेंट फॉर ऑफ रोडिंग है, पर फिर भी बहुत अच्छा कंपटीशन देती है, 100-110 तक तो साथ साथ रहते हैं। तो गाइज यही थी कुछ वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे कौन नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच। अरे भाई वीडियो एंड करते करते एक चीज़ देखी हमने कि सनरूफ की रबर निकल रही है, तो भाई मतलब अरुण भाई झूठ तो नहीं बोल रहे थे भाई? अरुण भाई कैसे झूठ बोलेगा, है ना? और एन की भी निकल रही होगी? नहीं अरे लीक हो जाएगी। चलो 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 भाई, चलो चलते हैं भाई।